नेक्स्ट हम देखते हैं मित्र सेतु के बारे में कि मित्र सेतु क्या होता है। मित्र सेतु एक तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है कि यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है और जैसे व्हीटस्टोन सेतु से हम अज्ञात प्रतिरोध का मापन करते थे, इससे भी हम अज्ञात प्रतिरोध का क्या करेंगे, मापन करेंगे। जैसे हमने व्हीटस्टोन सेतु के लिए एक नोट लिखा था कि जो हमारा व्हीटस्टोन सेतु होता है उस पर आधारित उपकरण था मीटर सेतु, कैरी फॉस्टर सेतु, यानी कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। अब मीटर सेतु क्यों कहा जाता है, यानी कि इस उपकरण को हम मीटर सेतु क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें लगे जो प्रतिरोध तार की लंबाई क्या होती है, 1 मीटर होती है। यानी कि ये जो प्रतिरोध तार है इसमें लगे जो प्रतिरोध तार की लंबाई क्या होती है, 1 मीटर होती है, इसलिए इसे हम मीटर सेतु कहते हैं। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर देखिए आप कि इसके स्ट्रक्चर में क्या है कि लकड़ी का एक स्टैंड है, ठीक है, और लकड़ी के स्टैंड पर ये जो प्रतिरोध तार है ये किसका बना होता है, 1 मीटर लंबा तार है, और किसका बना होता है, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटाइन का, ठीक है, यानी कि लकड़ी का बॉक्स है उस पर एक प्रतिरोध तार है 1 मीटर लंबाई का, मैग्नीन या कॉन्स्टेंट का ये बना हुआ है, और तार के साथ एक मीटर स्केल जुड़ा होता है, ये मीटर स्केल है और 1 मीटर का स्केल है, यानी कि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है हमारा मीटर स्केल। अभी मीटर स्केल है 1 मीटर का है, यानी कि इसमें 100 सेंटीमीटर हैं, ठीक है, ये पूरा 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर का स्केल है। अब ये जो मीटर स्केल इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस लकड़ी के बॉक्स पर 2 खाली स्थान हैं, एक तो M और एक N। जो M होता है उस पर एक प्रतिरोध बॉक्स R भी जुड़ा होता है और M बिंदु पर हम एक अज्ञात प्रतिरोध R4 लेते हैं। इसके अलावा एक बिंदु होता है यहाँ हमारा, इसको D नाम ले लेता हूँ, D बिंदु होता है, इसको हम गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं तथा गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा विसर्पी कुंजी या जोकी से जुड़ा होता है, विसर्पी कुंजी, यानी कि जो बिंदु डी होता है उसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं और गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा विसर्पी कुंजी से जुड़ा होता है, ठीक है, ये मेरी विसर्पी कुंजी है। और जो ए और बिंदु सी है, ए और सी के मध्य एक बैटरी और कुंजी के लगी होती है। ये तो बात रही इसकी स्ट्रक्चर की, अब इसकी क्रियाविधि क्या है, कि सबसे पहले हम कुंजी के लगाते हैं, कुंजी के लगाते हैं, इसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होने लगी, ठीक है। अब हम जो प्रतिरोध बॉक्स है उसमें से एक प्रतिरोध निकाल लेते हैं, यानी कि ये प्रतिरोध बॉक्स मेरा कुछ ऐसा होता है, ऐसे इसमें बहुत से प्रतिरोध होते हैं, ऐसे ऐसे ये, इसमें से एक हम प्रतिरोध निकाल लेते हैं, ठीक है, इसमें से एक हम प्रतिरोध निकाल लेते हैं।
अब हम क्या करते हैं कि जो विसर्पी कुंजी होती है इसको इस प्रतिरोध तार एसी पर चलाते हैं। ये विसर्पी कुंजी है, इसको प्रतिरोध तार एसी पर हम चलाते हैं और एसी पे चला के हम ये देखते हैं कि जहां गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप देता है वो संतुलित लंबाई हम ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि हम यहाँ, हाँ इससे पहले एक चीज़ और करते हैं कि ये जो विसर्पी कुंजी होती है इसको ये बिंदु पहले ए पे लगाते हैं और गैल्वेनोमीटर हमारा विक्षेप देता है, फिर इस विसर्पी कुंजी को हम बिंदु सी पर लगाते हैं, फिर गैल्वेनोमीटर विक्षेप देता है। यानी कि अब यदि दोनों कंडीशन में जो ए है सी पर हम लगा रहे हैं तो विक्षेप यदि परस्पर विपरीत है तो संयोजन क्या होगा, ठीक होगा। यानी विक्षेप परस्पर विपरीत है तो संयोजन क्या होगा, ठीक होगा, वरना हमारे कनेक्शन में क्या होगी, कुछ ना कुछ कमी होगी, हमारा कनेक्शन क्या होगा, गलत होगा और हमारा जो ये उपकरण है ये सही से काम नहीं करेगा। ये सेजन ठीक है, इसको चालू चेक करने के लिए हम करते हैं बिंदु ए और सी पे विसर्पी कुंजी लगाते हैं। यदि विक्षेप परस्पर विपरीत आता है तो सेजन क्या है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि विसर्पी कुंजी को इस प्रतिरोध तार पे चलाते हैं, इसे यो चलाते हैं और फिर हम इस पर संतुलित लंबाई ज्ञात करते हैं। यानी कि इस पे हम चलाएंगे तो एक ऐसी लंबाई आएगी जिस पर ये गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप देगा, संतुलित लंबाई एल ज्ञात कर लेते हैं जिसमें गैल्वेनोमीटर क्या देगा, शून्य विक्षेप देगा। तो मैं मान लेता हूँ कि गैल्वेनोमीटर यहाँ, ये एल लंबाई है मेरी, यहाँ गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप दे रहा है, यहाँ मान लो इस बिंदु को भी यहाँ मान लेता हूँ, तो ये मेरी 100 सेंटीमीटर है, ये एल हो गई, तो ये बी सी कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल सेंटीमीटर, ठीक है, ये मेरी हो जाएगी 100 माइनस एल सेंटीमीटर। अब जो विसर्पी कुंजी से हमने संतुलित लंबाई ज्ञात कर ली तो जो ए बी तार है, यानी ये तार का हिस्सा ए बी, इसकी लंबाई कितनी हो गई, एल सेंटीमीटर, और जो बी सी भुजा है और उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 100 माइनस एल सेंटीमीटर, यानी कि जो ए बी लंबाई है ये कितनी है, एल, और जो बी सी कितनी है, 100 माइनस एल सेंटीमीटर। अब यदि मैं मान लूँ कि जो प्रतिरोध तार की जो एकांक लंबाई है उसका प्रतिरोध यदि मैं रो मान लूँ, यानी कि एकांक लंबाई के तार का प्रतिरोध यदि मैं रो मान लूँ, ठीक है, तो ये जो ए बी भाग है इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यानी कि ए बी भुजा का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, लंबाई एल इंटू इसका प्रतिरोध क्या है, रो। ऐसे ही बी सी भुजा का प्रतिरोध ये क्या हो जाएगा, R2 बराबर इसकी लेंथ कितनी है, 100 माइनस एल, और एकांक लंबाई का प्रतिरोध कितना है, रो। तो ये मेरे पास इक्वेशन वन मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन टू मान लेता हूँ। अब व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था क्या कहती है, व्हीटस्टोन सेतु
की संतुलन अवस्था से, यानी कि ये क्या होती है, आर वन अपॉन में आर टू इक्वल टू आर थ्री अपॉन में आर फोर। आर वन का मान एल रो, आर टू का मान 100 माइनस एल अपॉन में रो इक्वल टू आर थ्री अपॉन में आर फोर। तो ये आर थ्री तो जो एक प्रतिरोध निकालता है, ये मान हमारे पास ज्ञात होता है, अज्ञात क्या होता है आर फोर। रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, आर फोर इक्वल टू ये क्या है हमारा अज्ञात प्रतिरोध, आर फोर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस एल अपॉन में एल इंटू आर थ्री। ये मेरा आ जाता है अज्ञात प्रतिरोध आर फोर, यानी कि इस फॉर्मूले से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि हमें एक संतुलित लंबाई एल का मान दिया हो और एक प्रतिरोध आर थ्री का या फिर अज्ञात प्रतिरोध का मान दिया हो, तो हम ये दोनों ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देख लेते हैं 17 में कि मीटर सेतु में प्रतिरोधक एस का मान है 3.7 ओम और संतुलन बिंदु ए से 63 सेंटीमीटर की लंबाई पर प्राप्त होता है, तो आर का मान ज्ञात करना है। यानी कि हमें मीटर सेतु में प्रतिरोधक एस का मान दिया है 3.7 ओम, यानी कि जो अज्ञात प्रतिरोध होता है आर फोर उसका मान दे रखा है हमें 3.7 ओम और संतुलन बिंदु ए से 63 सेंटीमीटर की लंबाई पर प्राप्त होता है, यानी कि जो संतुलित लंबाई एल कितनी है हमारी, कि जो अज्ञात प्रतिरोध है आर फोर वो कितना दिया है, अज्ञात प्रतिरोध आर फोर दिया है मेरे को 3.7 ओम, संतुलित लंबाई एल कितनी है, संतुलित लंबाई एल है मेरी 63 सेंटीमीटर और आर का मान ज्ञात करवाया, यानी कि आर थ्री का मान मेरे को ज्ञात करना है, यानी कि जो प्रतिरोध बॉक्स है उससे निकाला गया प्रतिरोध का मेरे को मान ज्ञात करना है। तो मीटर सेतु में हमारे पास क्या आता है फॉर्मूला, मीटर सेतु में अज्ञात प्रतिरोध के लिए मेरे पास फॉर्मूला आता है आर फोर इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन में एल इंटू एल थ्री, ये मेरे पास फॉर्मूला आता है। अब इसमें एल का मान है मेरे पास, आर फोर का मान है, आर थ्री का मान निकालना है, यानी कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ से आर थ्री का मान निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा एल अपॉन 100 माइनस एल इंटू आर फोर, यानी कि एल अपॉन 100 माइनस एल इंटू आर फोर। तो एल का मान 63, ये हो गया 63 अपॉन में 100 माइनस 63 इंटू आर फोर, यानी कि 3.7। तो यहाँ पास आर फोर आ जाएगा 63 अपॉन में 37 इंटू 3.7, पॉइंट हटा के एक ज़ीरो लगा लेता हूँ 37 से 37, तो ये आर फोर आ गया मेरे पास, एक पॉइंट लगा लो 6.3 ओम, आर थ्री का मान आ गया मेरे पास 6.3 ओम, यानी कि जो प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध कितना होगा 6.3 ओम। तो इस तरह से आप मीटर से तो से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था 2017 में पूछा हुआ, इसके साथ ही ये क्वेश्चन पूछा था कि जो मीटर सेतु होता है उसके संयोजन में मोटी कॉपर की पत्तियां क्यों काम में ली जाती है। तो जो मीटर सेतु होता है उसमें
जो ये अंतिम छोर होते हैं, यहाँ मोटे कॉपर की पत्तियाँ काम में ली जाती हैं, जिनका प्रतिरोध हम जानते हैं कि कॉपर का प्रतिरोध क्या होता है, नगण्य होता है। और गंडा में हम इसके प्रतिरोध को काम में भी नहीं लेते हैं, तो इनका प्रतिरोध नगण्य होने के कारण इसका जो इसकी संतुलित लंबाई होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए हम इस संयोजन में मोटे कॉपर की पत्तियां काम में लेते हैं। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना।